आपको राष्ट्रपति भवन एक बार लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बेहद खास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरों में आप उन्हें देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से तस्वीर, श्री भर्तृहरि महताब, मैं भर्तृहरि महताब, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसको उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा का सत्र, नई सरकार का 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, जिन्होंने शपथ ली अभी राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति भवन दिल्ली से सीधी तस्वीरें और बारी बारी से सांसदों के शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और सभी से मुलाकात का दौर अभी, ये देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और तमाम सभी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी वहां पर। और ऐसे में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चूंकि आज से शुरू हो रहा है, लोकसभा में पहले सत्र के दौरान ये प्रोसीजर, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, आज से प्रधानमंत्री समेत सभी नए सांसद आज जब शपथ के लिए पहुंचे हैं बतौर सांसद, और ऐसे में विपक्ष की भी क्या भूमिका होती है इस पहले सत्र के दौरान, ये देखने वाली बात होगी। शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ होने वाली है और इससे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने शपथ ली। तस्वीरें आपके सामने फर्स्ट संध्या पर। संसद का ये सत्र आगामी 3 जुलाई तक चलने वाला है, यानी कि सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब शपथ दिलाई, ये तस्वीर उस समय की, और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के सदस्य की यानी कि सांसद की शपथ दिलवाने वाले हैं। इसके बाद वैर के सहयोगी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद मंत्रियों और बाकी जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। मोदी सरकार 3.0 का संसद में पहला सत्र किस तरह का रहेगा, क्या शांत रहेगा या फिर हंगामेदार रहेगा, इसकी सभी को तस्वीरें देखने के लिए अब ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा क्योंकि सत्र अब शुरू हो गया है। और जब हम बात करते हैं इस बार की चुनाव में पूरी जोर आजमाइश हर ओर से की गई, 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में शीर्ष पर, तो फिर वहीं 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरा बड़ा दल, उसके बाद सपा और उसके बाद दूसरे दल। लेकिन क्योंकि एनडीए की सरकार है, ऐसे में जो विपक्ष के तौर पर एनडीए गठबंधन है, वो किन मुद्दों के आधार पर सरकार
माहौल। सवाल जिस तरह से पूछे जाने हैं वो किस तरह से पूछा जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तस्वीरें फिलहाल आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं और 18वीं लोकसभा की 240 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ा दल, 98 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी, 37 सीटों के साथ सपा और 29 सीटों वाली तृणमूल कांग्रेस चौथी बड़ी पार्टी है। ऐसे में यह 18वीं लोकसभा की कुछ खास बातें हैं जो आज जानना भी जरूरी। सत्र शुरू हो गया है और ऐसे में किस तरह की रणनीति रहती है इस सत्र को चलाने की, क्या फिर ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं और साथ ही एनडीए के पास अपने किए हुए कार्य, अपनी जीत के बदौलत जनता के बीच हुए हुए कामों को दिखाने की जो कोशिश है वो रहेगी। लेकिन तमाम सारी चीज़ों के बीच सबसे बड़ी बात ये है कि जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी होना है उन पर भी निगाह बनी हुई है, क्योंकि भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, जिन्होंने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस समय अपने पद की शपथ ली और उसके बाद अब 26 और 27 तारीख तक वो तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी कि लोकसभा में अगले स्पीकर कौन होंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, सांसद लेंगे शपथ और साथ ही मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरी रणनीति अपनी तैयार कर चुका है। पक्ष के पास भी अपने किए हुए काम और अपने अलग फैसलों का आधार है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की तस्वीरों से पहले ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को शपथ दिलवाई और अब प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब सदन के सदस्य के तौर पर सभी को शपथ दिलाएंगे बारी बारी से। और इस वरीयता में पहला नाम देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी से सांसद एक बार फिर से जो हुए हैं नरेंद्र मोदी उनका होगा और उसके बाद में क्रमशः शपथ ग्रहण का सिलसिला आगे चलेगा, उसके बाद सदन की कार्रवाई आगे चलेगी। 3 जुलाई तक लोकसभा की 18वीं लोकसभा के ये पहले सत्र की तस्वीरें, पहला सेशन रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री इस समय मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन में और उसके बाद आप कुछ देर के बाद में तस्वीरें जो देखेंगे वो लोकसभा से होंगी, लोकसभा भवन से वो तस्वीरें होंगी। पहला सत्र, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति ने शपथ दिलवा दी है और पहले सत्र की शुरुआत, क्योंकि आज 3 जुलाई तक चले वाले सत्र के शुरुआती दिन नए सांसदों को शपथ दिलवाई जाएगी। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, निगाह सभी की उस पर भी बनी हुई है, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को संबोधित भी करने वाली है। विपक्ष ने अपनी कई रणनीतियां बनाई है, देखने वाली बात यह रहेगी कि पहला दिन शांत गुजरता है या फिर विपक्ष की रणनीति के आधार पर, एनडीए की रणनीति के आधार पर हंगामेदार गुजरता है। हालांकि कई मुद्दे उठे, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ली अब से कुछ देर पहले और एनडीए गठबंधन ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी सवाल खड़े किए, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को शपथ दिलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कुछ देर पहले प्रतिक्रिया देते हुए सुना, उन्होंने कहा कि सभी नेताओं से मुलाकात कर ली है और इस बात पर सभी सहमत हैं कि भारत के संसद के इतिहास में जो परंपराएं रही हैं उन्हें छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से विपक्ष मुद्दों को उठाने की और जनता को भटकाने की कोशिश कर रहा है उसका जवाब वो सदन में देंगे, उन्होंने ये भी कहा। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन भी 27 तारीख को यानी कि बृहस्पतिवार को है, मीनवाइल बुधवार को लोकसभा स्पीकर की भी नाम पर क्लैरिटी सभी के सामने आ जाएगी। 27 तारीख को संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों को संबोधित संयुक्त रूप से करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस दौरान नई सरकार की 5 साल की जो योजनाएं हैं और जो प्राथमिकताएं होंगी एनडीए सरकार की उन्हें भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सामने रखेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 28 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी, यानी कि उनके संबोधन के अगले दिन चर्चा होगी। 2 जुलाई को लोकसभा और 3 जुलाई को राज्यसभा में प्रधानमंत्री इस चर्चा पर अपना जवाब भी पेश करेंगे। इसके बाद दोनों सदन संक्षिप्त अवधि के लिए स्थगित किए जाएंगे, यानी कि 3 जुलाई तक ये सेशन चलने वाला है और उसके बाद 22 जुलाई से एक बार फिर सत्र शुरू होगा जिसमें केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, यानी कि अब सरकार के बनने के बाद 3.2 के आने के बाद जो सभी की निगाह है वो संसद की कार्यप्रणाली पर भी रहेगी, क्योंकि बार बार सभी
जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को उठाकर कितने काम जनता की और अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि के तौर पर करवाते हैं, संसद की इस स्वच्छ परंपरा में कितना सहयोग मिल पाता है और पक्ष और विपक्ष की क्या जुगलबंदी नजर आती है, किस तरह से एक स्वच्छ लोकतंत्र का उदाहरण पेश किया जाता है, इस पर सभी की निगाह। तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से अभी।